11 पीछे है भी थोड़ी जी धुप, तो जड़े संगी पीछे आन गए उन्होंने थोड़ी जी मुश्किल होगी, इस वास्ते दूसरे भाइयों का ख्याल रख दो ना, मेहरबानी करो अगे आ जाओ, इस साइड तो अगे आ जाओ, दुरूद पाक पढ़ दो आ जाओ, माशाल्लाह होर अगे आ जाओ, माशाल्लाह अज अगे खाली जगह पुर कर दो, दुरूद पाक पढ़ लो सारे मेरे भाई, दुरूद पाक पढ़ो मुहब्बत शौक शौक के नाल, अपनी लबां नूं हलाओ, ये थोड़े वास्ते जरिया निजात बन जाएगा। ਰਹਿਣਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੁਣੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ, ਸਿਰਫ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੀ। फरमान मौला अली दा ते जुबान मुस्तफा करीम सरकार दी च निकलिया, यानी हदीस नु बयान करन वाले मौला अली सरकार ने। मौला अली फरमांदे ने मैनू मेरे नबी ने फरमाया, अली मैं उस पत्थर नु जानदा, गल नु समझना, अली मैं उस पत्थर नु जानदा जिड़ा मेरे नबूवत दे ऐलान तो पहला मैं मुहम्मद ते दुरूद पढ़दा। अजे भी ने होश पी हुंदी सुनियो, मौला अली का फरमांदे ने मैनू मेरे नबी ने फरमाया, मैनू मेरे नबी ने फरमाया, अली मैं उस पत्थर नू जानदा जेड़ा हिजरत तो ऐलाने नबूवत तो पहले मेरे ते दुरूद पढ़दा, जे पत्थर बेजान हुजूर ते दुरूद पढ़दा है ते उम्मती जानदार हो के हुजूर ते दुरूद क्यों नहीं पढ़दा। मोमना दे उत्ते ते हक के ना नबी जौला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम, के मोमिन नु अपनी जान प्यारी नहीं हुंदी, दुनिया दा माल प्यारा नहीं हुंदा, आमिना दा लाल ते जहरा दा लाल प्यारा हुंदा। तवज्जो होगी हुण, जरा मुहब्बत नाल पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना। जे किसी दरूद पढ़दिया मौत आई तो दमै जिम्मेदार, डरते हैं गया जिवें इत्थे कोई दरूद पढ़दिया किसी दा लाशा चुकिया गया, बजाडी मंजी चुकी, कोई नहीं आंदा। जे दरूद पढ़ते टुर गए तो मुहम्मद आले मुहम्मद का जिक्र करते टुर गए तो शहीद का रुतबा मिल जाए। जरा मुहब्बत नाल पढ़ो सलातो सलाम वाले, तुसा पढ़ना तो मैं पढ़ना, ने सारे पढ़ो सलातो सलाम वाले भी आसी। الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وَصَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ
بالطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون ثم قال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھیے صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سارے بولیے سبحان اللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر کربل کو جانا یاد ہے اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ کھانا گود میں نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم رؤوف الرحیم
वहदहु ला शरीक लहु दी हम्द और सनातु बाद दुरूद बा हुजूर शाहे मदीना सुरूरे कल्बो सीना नबियां दे सरदार फातेहे बद्र हुनैन नाना हसन हुसैन अहमद मुजतबा जनाबे हजरत मुहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना करीम आका अलैहि सलातु व सलाम दी बारगाहे मयानाज दे अंदर दुरुदा और सलामा दे नजराने पेश करने दी सआदत हासिल करने तो बाद सभियां नू मेरी तरफो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं दुआ करदा जिन्हें मेरे भाइयों ने महफल का इहतमाम किया है अल्लाह इन्हां दी महफल नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल अता फरमाए और जितने मेरे भाई दूरों नज़दीक तो तशरीफ ले आए हो जिक्र हुसैन सुनने वास्ते अल्लाह मुझ समेत सब नू अजर अजीम और खैर कसीर की दौलत दे नाल माला माल फरमाए। मेरे तो बाद इब्तदाई चंद गल्लां मैं करांगा, मेरे तो बाद दो सैयदजादे बयान फरमाएंगे। मेरा बयान तो नहीं, शाह साहब ने आले रसूल ने वो बयान करेंगे। उन्होंने आने तक चंद गल्लां आप हबाब नू सुनावांगा। शाह साहब तशरीफ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे अल्लाह तक गुफ्तगू शुरू करिए। मैं एक आया करीमा पढ़िए, उस दे अंदर खालिक ने इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरे अल करो, गल शुरू होने लगी, जरा ध्यान मेरे अल करो, इब्तदाई गल्लां दी समझ आ जाए फिर अगे समझ आ जाती। अल्लाह ने अपने महबूब ते किताबे हकीम भेजी, कुरान भेजिया, तो खालिक ने उस कुरान नू फदन दा वल सिखाया। अल्लाह फरमांदे ने ला यमसहु, कुरान नू मत छुओ, ला यमसहु, कुरान नू मत छुओ, इल्लल मुतहरून, उदों कुरान नू पकड़ो जदों तुसी पाक हो जाओ। ना पाक बंदा कुरान नू हाथ ना लाए। कुरान अल्लाह दी किताब है, अल्लाह ने अपने यार ते भेजी है। कोई तकरीर मैं करनी है तो कोई तकरीर तुसा मेरे नाल करनी है तो ता तकरीर होनी। कुरान किताब हकीम है, अल्लाह ने अपने यार ते भेजी। यार ध्यान जिस टाइम हटा दे तो स्वाद नहीं रहा, जरा ध्यान मेरे हल करे तो बोलो सुभान अल्लाह। हूँ पता चल, अल्लाह ने अपने यार ते किताब भेजी। अल्लाह ने फरमाया इस कुरान नू पाक हो के हाथ लाना है। कुरान नू, कुरान नू जदों पाक ना हो कुरान हाथ ना ला। कुरान है हुजूर दी उत्ते आने वाली किताब, हुजूर ते नाजल करदा किताब है। ते अल्लाह फरमांदे ने इस किताब नू उदों हाथ नहीं लाना जदों तुसी ना पाक होवो, जदों पाक हो जाओ कुरान नू हाथ लाओ। अजीजा ने मोहतरम अकीदे दा जुमला मुड दे अंदर रखदा जावां, कुरान हुजूर ते उतरिया है, कुरान
हुजूर चलते गए, कुरान बनता गया, हुजूर गार ने तो कुरान गारे चाया, हुजूर बदर तो कुरान बदर, हुजूर अर्श ते गया तो कुरान अर्श ते, यानी हुजूर दी अदामा दा नाम कुरान है, हुजूर दी अदामा दा नाम कुरान है, हुजूर चलते गए, हुजूर दी गुफ्तार कुरान बनती गई, हुजूर दा किरदार कुरान बनता गया। ते अल्लाह फरमाते ने इस कुरान नू जेड़ा कुरान मेरे यार दियां नाता है, इस कुरान नू हाथ ओदो नहीं लाना जदों तुसी नापाक होवो, इस कुरान नू हाथ ओदो लाना है जदों पाक हो जाओ। अजीजा ने मोहतरम, कुरान हुजूर ते अल्लाह ने नाजल फरमाया, ते हुजूर दी उत्ते उतरन वाली किताब है हिकमत कुरान हकीम नू बंदा नापाकी दी हालत अंदर हाथ लाए ते गुनाहगार है, मुजरम है, गुनाह प्या करदा है। अजीजा ने मोहतरम, जिदे उत्ते कुरान आया है, अमीना दे लाल दे नाल जड़े अबू बकर सुते पैने ते उमर सुते पैने पाक करके साइया कोल समाए होए ने, अबू बकर भी पाके, उमर भी पाके, नापाक बंदा रब कुरान दे नेड़े नहीं आउण देंदा, जे कुरान दे नेड़े नहीं आउण देंदा तो रब साहिब कुरान दे नेड़े किवें आउण देंदा। जरा सुनिए, गौर करिए, कुरान किताब हिकमत, नापाक बंदा इस दे नेड़े नहीं आ सकदा। इस दे उत्ते गौर जुमला सुनदे जाइए, नापाक बंदा कुरान दे नेड़े नहीं। जनाबे हजरत इमाम हुसैन पाक सरकार, इमाम हुसैन पाक सरकार, एक किताब कुरान ते उतरी, कुरान हुजूर ते उतरिया। इमाम हुसैन पाक सरकार हुजूर ने अपनी आले बैत के बारे फरमाया कि लोगो मैं थोड़े अंदर दो चीजा छोड़ के जा रहा, एक कुरान और एक आले बैत। जामे तिर्मिज़ी दे अंदर हदीस मुबारक मौजूद, सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मुबारक मौजूद, मेरे नबी ने फरमाया एक कुरान और एक अहले बैत। हुण गल इत्थों बंदन समझ नहीं आती, कुरान अल्लाह की किताब है, किताब आख छड़दे ते गल ठीक है, नाल अहले बैत नूं क्यों आख्या है, अहले बैत छोड़ी जा रहे। अजीजो इस तो आख्या है बा कुरान तुसी पढ़सो, गए कुरान पढ़सो ते एदा अमली नमूना हो वेखना होवे ते करबला दे मैदान दे अंदर ज़हरा दे लाल नूं तक लव्या है। जे कुरान दा प्रैक्टिकल तकना होवे ते ज़हरा दे लाल नूं तकिया है। हर कारी कुरान पढ़े, हर हाफिज कुरान पढ़े, दरिया ते बह के पढ़े, फिर मिंबर ते आके पढ़ जाए। अजीजा ने मोहतरम, हुसैन पाक सरकार उस हस्ती दा नाम है जिन्ना मां ज़हरा दी गोद दे अंदर कुरान पढ़िया, तिने दे दी लोक ते कुरान सुनाया है। अल्लाह हू अकबर, तवज्जो करिए, गौर करिए, जे कुरान हुजूर ते आवे ते पाक है ते मेरे पाक हुजूर दे खून तो जेड़ी अहले बैत पैदा हो, ओ हस्तियां जिन्हां नूं अल्लाह ने अपने महबूब दे खून दे विच्चों पैदा फरमाया। एक हदीस मुबारक सुनिए, जनाबे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम आपने ना पछने लगवाए जिसम ते, पछने हुण भी लोग लवांदे ने सुन्नत ते पछने लगवाना, ए बीमारियां इस दे नाल अल्लाह करदा ते ठीक हो जांदियां, खून निकलवांदे ने। सरकार ने पछने लगवाए उम्मत वास्ते, सरकार ने सुन्नत छोड़नी है। हजूर ने पछने लगवाए, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी ने फरमाया, साहबी जाओ इस मेरे खून नू किसी महफूज जगह ते उंडेल के आओ जिथे इस दे कोई चीज ना गुजरे। खून अमना दे लाल दा, हुजूर ने फरमाया इन्हू किसी महफूज जगह ते छोड़ के आओ, उंडेल के आओ। साहबी गए, थोड़ा जहा दूर गए ते खून थले जमीन ते नहीं पाया, साहबी ने प्याला मुंह नाल लाया। वैसे खून हराम है, इन्नमा हर्रमा अलैकुम अल्मैता वद्दमा वलहम अलखिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, खून हराम है, लेकिन खून किसी आम बशर दा ना अमना दलाल दा। हुण आखो हुजूर दा खून, फिर भी रब जो फरमा दिता है नस आ गई है, कुरान दी आयत आ गई, हुजूर दा खून ते पाक नहीं। बेलियो साडा खून है, साडा जिस्म है, साडा दिल है, ये तारीख दिल, इहदे विच ने अंधेरे, इहदे विच ने अंधेरे। उलमाए कराम ने इस दे पूरे बाब बंदे ने हदीस दी किताबां दे अंदर, सीरत दी किताबां दे अंदर, कि जेड़े सरकार दे फजलाते मुबारक ने ना,
فضلات پخانہ مبارک شریف او ناپاک نہیں حضور دے فضلات بھی پاک نہیں اسی پیشاب کریے تے ساڈا پیشاب ناپاک ہوندا ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فضلات مبارک ہوندے نے او ناپاک نہیں او بھی پاک ہوندے نے اور صحابیات نے خون پیتا اور سرکار نے فرمایا ہن تیرے پیٹ وچ تکلیف نہیں ہوگی توجہ فرماؤ گل نو سنو ساڈے میدے تاریک نے اسی جڑی چیز کھائیے او پخانہ بن کے نکل دیئے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا دل مبارک اللہ دے نور دے نال منور آیا آپ دا جڑا فضلات مبارک آئے وہ ناپاک نہ وہ پاک ہوندے آئے حضور سرکار دا خون مبارک صحابی نے پی لیا جدو حضور دی بارگاہ چاہے حضور نے فرمایا صحابی چھپا دیتے خون ہائے 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 انڈیل آئے ہو صحابی صحابی عرض کر دینی یا رسول اللہ اتھے دفن کر کے آیا جتھے اس دی کوئی بھی ادبی نہیں کرے گا حضرت سلیمان فارسی آئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں تے خون پی لیا ہے انہیں خون پی لیا ہے جدو سرکار دی بارگاہ چرس کی تھی انہیں خون پی لیا ہے تے آمینہ دے لال نے فرمایا جا تیری رگاں دے اندر آمینہ دے لال دا خون ہے اللہ تین دو زخدی اک تو محفوظ فرما چھڑے آئے عزیزان محترم گل سمجھن والی ہے جے صحابی دے رگا دے اندر حضور دا خون جائے حضور دا خون صحابی دی رگا دے اندر جائے تے آمینہ دے لال فرما دے نے صحابی اللہ نے تیرے تے دوزخ دی اگ نو حرام قرار دیتا ہے اللہ نے تینے دوزخ دی اگ تو بچا لیا ہے عزیزان محترم زہرا دے لال جناب امام حسین پاک سرکار امام حسن مجتبی امام محسن پاک جنہ نبی پاک سرکار دے خون دے وچ اللہ نے پیدا فرمایا ہے جیڑا انہاں نال نسبت جوڑدا گیا حسین دی غلامی دا پٹا اپنے گلج پاندا گیا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ زہرا دے لال دی نسبت صدقہ اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما چھڑے گا توجہ ہے سمجھ آ گئی ہے گل دی ادھر تے پیاری جی گل سنے بولیے سبحان اللہ ادھر تے عاشقاں نے گل کی تھی اللہ اکبر فرماتے ہیں اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے کیوں حرام ہے دوزخ دی اگ آپ فرما دینے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی ہے ذرا زبان دی اتی ترانہ لا لے او نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی جنہ دیاں رگاں دے وچ آل محمد دی محبت رس گئی آل محمد دا پیار داخل ہو گیا اللہ انہاں نوں آل محمد دی محبت دا صدقہ دوزخ دی اگ چ محفوظ فرما چھڈے گا سمجھ ہو گئی ہے ٹائم بڑا تھوڑا ہے سمجھ آئیے ٹائم بڑا تھوڑا شاہ صاحب آ گئے نے تے ان کربلا دی طرف چند جملے پیش کر کے تھے شاہ صاحب دے میں حوالے کرنا ہے توجہ میرے لگا سیدنا امام حسین پاک سرکار جناب ابو بکر صدیق جناب حضرت عمر پاک جناب حضرت عثمان جناب مولا علی امام حسن مجتبی حضرت امیر معاویہ آپ دے ادوار تک کے خلافت دے جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی آپ دا وصال مبارک ہویا نا تو یزید تخت نشین ہویا یزید نے کیا اپنے جڑا سدا گورنر سی مدینے اس نے خط بھیجیا پیغام بھیجیا
वलीद बिन उतबा नू, उसने क्या हुसैन को बैत लो और जितने जय्यद साहबा ने उन्होंने को बैत लो यजीद वास्ते। वलीद बिन उतबा ने सरकार नू बुलाया, इमाम हुसैन पाक सरकार आए तो उत्थे एक सी मरवान बिन हकम दरबार दे अंदर गवर्नर देखो, उसने क्या हुसैन जो बैत वास्ते आए ना, बैत करने वास्ते आए ते जे हुसैन करे ना यजीद दी बैत ते फिर ठीक, जे हुसैन यजीद दी बैत ना करे ते फिर हुसैन नू या रोक लमी ते या हुसैन दा सर उतार दे। इमरवान बिन हकम के कहंदा पिया, इमाम हुसैन पाक सरकार जदों उत्थे आए, वलीद बिन उतबा ने कहा यजीद कह रहा कि मेरी बैत करो। इमाम हुसैन पाक सरकार ने फरमाया हुसैन किसी फासिक फाजर दी बैत नहीं कर सकता, हुसैन किसे फासिक फाजर दी बैत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन पाक सरकार चले गए, मरवान बिन हकम ने कहा कि हुसैन तू छोड़ दिता ना, हुण तू हुसैन नु पकड़ नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा जनाब इमाम हुसैन पाक सरकार साठ हिजरी आप सरकार जो उस वली दे दरबार दे विचो अपने घर आए, आगे अपने बहन जैनब नु फरमा दे जैनब भी जैनब हमशी जेड़ा या मिना दे लाल सरकार साढ़े नाना जी ने फरमाया आया हुसैन तू करबला दे अंदर शहीद होवेगा, मेरी बहन साडा हुण मदीने तो जान लवे ला गया है, जिवें साडे नाना ने दीन वास्ते मक्का छड़िया मक्का छोड़ के नाना मदीना तशरीफ लियाया है, हुण नाने दी उम्मत सानू मदीने नहीं राड देंदी, साडा हुण मदीने चो जान दा वेला आ गया। फरमाया भैणा कर दी तैयारी तू कर, तैयारी तेरा बिरा शबीर करदा है। अल्लाह अकबर इमाम हुसैन पाक सरकार अपनी भैन जैनब पाक नु फरमा गए, ए गल कह के आप बाहर आ गए नाना जी दे मजार ते आए। अल्लाह अकबर हुजूर नबी पाक सरकार दी बारगाह दे अंदर सलाम अर्ज कीता, हुजूर पाक सरकार दी कब्र अनवर दे नाल हुसैन लिपट गए। हुसैन नाना जी दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे पेने हाथ जोड़ी इमाम ने अर्ज कीती नाना तेरा पाक हुसैन जीशान चलिया, तेरी मोहर नबूवत ते कुरान सुनान चलिया, मेरी धी सकीना ते भैन जैनवे अली असगरे ते अकबरे जवान चलिया, इना फेर मुसाफरा आना नहीं तोहन कुर्बान चलिया। ए गल्ला करदे इमाम हुसैन पाक सरकार नाना जी दे दरबार दे उत्ते मजार दे उत्ते आप दी अख लग गई। अल्लाह अकबर जदों आप दी जाहिरी अख बंद होई दिल दी अख खुल गई, ख्वाब दे अंदर नाना जी आमिना दे लाल दा दीदार नसीब होया। अल्लाह अकबर आमिना दे लाल फरमाया बेटा हुसैन करबला टुर जा, तू करबला दे अंदर कल्ला इम्तिहान नहीं देवेगा, तेरा नाना तेरे कोल खड़िया हो के तेरा इम्तिहान दिलाएगा। अल्लाह अकबर इमाम हुसैन पाक सरकार नाना जी दे कोल रूहानी इजाजत लेके चले, जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सालिया राकिया साजिदा अम्मी जान सैयदा जहरा पाक दी मजार ते आए, आके अम्मी जान बारगाह दे अंदर अर्ज करदे पैने अम्मी जिस हुसैन नु
गोद अंदर लोरियां देख कुरान सिखाई अम्मी ए हुसैन उन करबला दे अंदर ले जाते कुरान सुनान जा रहे आए अल्लाह अकबर इत जुमला सुन दे जाओ आज कोई बंदा जियो जा भी होवे मां जियो जियो होवे अगर बंदा बुढ़ा भी होवे मां दी कब्र ते जाए ओनू इंज महसूस होंदे जिने मैं मां दी गोद अंदर फिर लोरियां लै रहा वा बचपन दा दीवाना याद आ जांदा बचपन दियां गल्लां याद आ जियां आ जांदियां ने जनाब इमाम हुसैन पाक सरकार आप अम्मी जान दी मजार ते हाजर ने अम्मी जान कोले इजाजत मंगदे पैने अम्मी फरमाया बेटा तुर जा करबला दी जमीन ते जिथे गिरेगा उस सहरा दी सफाई तेरी मां जहरा याग करेगी बेटा हुसैन तुर जा करबला जिथे तेरा खून गिरेगा जोली तेरी मां जहरा दी होवेगी इमाम हुसैन पाक सरकार अपनी अम्मी जान दे कोलो इजाजत लेके अपने वीर हसन मुजतबा दी मजार ते आए अपने वीर हुसैन पाक सरकार ने अपने वीर हसन पाक दी मजार ते हाजरी दीती अपने घर वापस तशरीफ ले आए अल्लाह अकबर अपनी बहन जैनब नु फरमाने जैनब हमशीर तैयारी हो गई है ते चलिए जिन्ना जिन्ना जाना है उन्हां नूं दस दिओ जिन्ना जिन्ना नहीं जाना उन्हां नूं भी दस दिओ अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हुसैन पाक ने फरमाया सुगरा नहीं जावेगी उन्हां नूं दस दिओ अल्लाह अकबर इमाम हुसैन जदों ये जुमले बोले ते हजरत जैनब पाक फरमाने वीरा जिस वेले दा मैं सुगरा नूं दस्या है तू मदीने नहीं जाएगे सारे मदीने जाएंगे उस वेले दी सुगरा मेरे नाल नाराज हुई हुई है अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अली अकबर सरकार आप नु हजरत इमाम हुसैन पाक सरकार और सैयदा ज़ैनब पाक फरमादी ने अली अकबर अपनी बहन सुगरा आग तेरा इत मदीने राणा इम्तिहान साडा करबला जाना इम्तिहान है अल्लाह अकबर हजरत सुगरा कहंदियां ने बाबा सारिया नु लेके जा रहे हो मैं क्यों नहीं जा सकती अली अकबर दी बहन क्यों नहीं जा सकती अली असगर दी बहन जा सकती है अल्लाह अकबर ज़हरा दिलाल दी बारगाह दे अंदर सैयदा सुगरा पाक अर्ज पे करदियां ने बाबा मैं क्यों नहीं जा सकती ते आप इन्हां जुमलियां दे नाल अर्ज करदियां भी होणगियां किते आसरे ते मैनू छड चलिया इत्थे कौन मेरा गमखार बाबा रोंदी रवांगी वीरां नूं याद करके मैनू देवेगा कौन प्यार बाबा तेरी जय नमाज चुकी जावा बेचे कर ले शुमार बाबा अल्लाह अकबर जदो इमाम पाक दी बारगाह दे अंदर इंज अर्ज किया कर दिया ने इमाम हुसैन पाक अली अकबर नु फरमाने बेटा अपनी बहन नु कहो सुगरा तू इत्थे मदीने ध्यान देवेगी हजरत अली अकबर नेड़े होए अर्ज फरमांदे ने आप अपनी बहन नु फरमाने सुगरा करदावा एक महीने तो बाद आके मैं तेनू ले जावांगा अल्लाह अकबर सादात दा काफला जदों मदीने दे विच अलविदा होया जदों सादात दा काफला ज़हरा दे लाल दी मैयत दे अंदर मदीना नू छोड़े आए अज अगर हाजी हज करन वास्ते जाए जदों मदीना शरीफ जाए जदों उमरा करके मदीना शरीफ जाए
8 दिन उत्ते हाजी रहंदे ने, उमरा करन वाले रहंदे ने, 40 नमाज़ां पढ़ के जदों रोज़ा मुस्तफा तुजदा होण लगदे ने, पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमांदे ने, ये तो तैबा की मुहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट करे दरो दीवार के साथ। लोग नाले रोंदे ने नाले मुस्तफा करीम सरकार दा रोजा तकदे पैने, पता फेरे रोजा नजर आएगा के नहीं, पता जिंदगी मोहलत देवेगी के नहीं। अल्लाहु अकबर, जेड़े 8 दिन मदीने रहन उन्हां नूं मदीने तो जुदाई दा इतना सदवा आउंदा है। अल्लाह अल्लाह, जेड़ा हुसैन नाने मुस्तफा दी गोद दे अंदर पलदा रहा, अल्लाहु अकबर, उस हुसैन दा बचपन मदीने गुजरिया, उस हुसैन दा लड़कपन मदीने गुजरिया। अल्लाहु अकबर, जदों 56 साल आप दी उम्र होई, सारी जिंदगी मदीने रहने, सारी जिंदगी मदीने गुजारी है। अल्लाह अल्लाह, जदों सारी जिंदगी मदीने गुजार के नाना जी दे रोजे नूं अलविदा कहंदे ने, ते कहंदे ने नाना मैं तेरे रोजे नूं छोड़ के ना जांदा, सोहणिया जे रोजे नूं ना छोड़ा तेरे दीन ते आ जांदी है, सोहणिया मैं तेरे दीन नूं बचाण वास्ते जा रहा, नाना मेरे ते राजी रव्या जे। अल्लाह अल्लाह, जदों इमाम हुसैन पाक सरकार 3 शबान नूं मदीना पाक नूं अलविदा कीता, मदीना पाक तो आप हिजरत फरमा के नाने दे दीन ते पारा देण वास्ते जा रहे ने, सैम चिश्ती बोलिया फरमाने, गली गली मदीने दे चीख उठी जदों करबला दा शाह सवार टुरिया, टुरिया कोई नी घरां छड़े जिवें फातिमा दा मायनवार टुरिया, ए ते जिगर हुसैन दा हिजान दा ए किवें देख बची नू प्यार टुरिया, रोंदा होया टुरिया हुसैन जी शान साए में, चंद्रे उम्मीद हुजरे नू मार टुरिया। अल्लाह ताला मेरी और आप दी हाजिर कबूल फरमाए, वमा अलिया इल्ला अल बलाग अल मुबीन।